नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज फिर हम खेत आए हैं और आज है मक्की की निदाई का काम। और आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम मक्की की निदाई करते हैं और बहुत सी चीज़ें और भी दिखाएंगे आपको। हाँ जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मक्की की निदाई की जाती है। जो साइड की मिट्टी होती है इसे मक्की के आसपास लाया जाता है, जिससे कि मक्की को सपोर्ट मिलती है। और दोस्तों, ये जो है ये आलू है और ये मक्की, और ये जो है ये है राजमा। आगे हम आपको कद्दू का बूटा भी दिखाएंगे और जो खीरा बोया होता है हमने वो दिखाएंगे हम आपको। दोस्तों, यहाँ तक जो है हमने कर दिया काम। और दोस्तों, मक्की में जो है डिस्टेंस फुट डेढ़ फुट तक होना चाहिए, इसलिए जो बीच की मक्की उखाड़ देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये है कद्दू, इस पे कद्दू लगता है। और आपको खीरा भी दिखाते हैं कैसा होता है खीरे का पौधा। दोस्तों, ये है खीरा, इस तरह का होता है पौधा खीरे का। और दोस्तों, ये है राजमा। हाँ दोस्तों, ये भी एक सब्ज़ी है, इसे फफरू बोलते हैं। बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है इसकी। दोस्तों, ये भी एक प्रकार की सब्ज़ी है, इसे हम कसरोड़ बोलते हैं। आपके इलाके में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, सभी खेतों में जो मक्की की निदाई कंप्लीट हो चुकी है। और ये घर के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली, फफरू की सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी होती है, इससे हमारा खून भी साफ़ होता है। मैं तो इसे बहुत पसंद करता हूँ, परंतु ज़्यादातर लोग जो है इसे खाते नहीं है, क्योंकि इसे खाने से ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा धूप पड़े या ज़्यादा बारिश वगैरह हो या ओले पड़े, और ओले जो है इंसान के ऊपर पड़ जाए या ज़्यादा धूप के अंदर बंदा बाहर हो, तो उसके पूरे शरीर में चुन चुनाहट सी होने लगती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई करंट सा लग गया हो। काफ़ी ख़तरनाक सब्ज़ी भी होती है, परंतु उससे होता कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए बंदा सुन हो जाता है, परंतु होती बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है, इसलिए आप भी खाएँ। अगर कभी आप आएँ चंबा तो हम आपको ज़रूर खिलाएँगे, बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।